गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ ज्योति फ्रॉम ग्लैम टेल्स। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए इंस्टेंट स्किन ब्राइटनिंग होम रेमेडी लेके आई हूँ। सो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैं स्क्रब बना रही हूँ, जिसके लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक बोल में एक नेस्कैफे का पाउच और एक स्पून शुगर लिए है, एक टेबल स्पून ऑलिव ऑयल। अगर आप लोग को के पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप गोले का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। इसमें मैं हाफ टेबल स्पून पानी भी ऐड करूँगी। हमारी स्क्रब का टेक्सचर ऐसा रहना चाहिए, इसे हमें पतला बिल्कुल नहीं करना है। सो अब हमारा स्क्रब बनकर रेडी है, तो आइए अब हम स्क्रबिंग स्टार्ट करते हैं। हम इस स्क्रब से हमारे डेली होने वाले पिगमेंटेशन और सन टैन को इजीली रिमूव कर सकते हैं, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हमें थोड़ा सा स्क्रब लेकर अपने पूरे फेस पर लगाना है, और हमें स्क्रब से अपने फेस पर जेंटली मसाज स्टार्ट करनी है। हमें अपने फेस पर मसाज करते हुए बिल्कुल भी हार्श नहीं होना है। मोस्टली जो हमारे पिगमेंटेशन एरियाज़ होते हैं, जैसे हमारे नोज़ के साइड में, चिन के पास, फोरहेड पर, हमें वहाँ पर अच्छे से स्क्रब से मसाज करनी है, जिससे कि हमारी जितनी भी डेड स्किन है वो सब रिमूव हो जाए। सो गाइस, स्क्रब करने के भी स्टेप्स होते हैं, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। जो स्टेप मैं फॉलो कर रही हूँ, आपको उसी तरीके से स्क्रब करना है। कॉफ़ी में एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, जो हमारी स्किन को ग्लो करने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। और कॉफ़ी हमारी स्किन की डेड सेल्स को बहुत इजीली रिमूव कर देती है। सो आपको स्क्रबिंग हमेशा ही अपवर्ड मोशन में करनी है, जिससे कि आपकी स्किन बिल्कुल भी लूज ना हो। ये चिन के पास ऐसे क्रिस क्रॉस मोशन में आपको स्क्रबिंग करनी है, और अपने नोज़ एरिया के पास आप अपनी फिंगर्स की हेल्प से स्क्रबिंग कर सकते हैं। आपको हार्डली 3-4 मिनट्स अच्छे से स्क्रबिंग करनी है, जिससे आपकी डेड सेल्स सारी रिमूव हो जाए। अब यहाँ पर मेरी स्क्रबिंग कंप्लीट हो गई है, तो मैं आप लोगों को फेस वॉश करने के बाद मिलती हूँ। सो अब हम फेस मास्क बनाएंगे। फेस मास्क बनाने के लिए यहाँ पर मैं 2 नेस्कैफे के पाउच लूँगी। स्क्रब के तुरंत बाद फेस मास्क ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, जिससे हमारे ओपन पोर्स फिलअप हो जाते हैं। सो अब मैं इसमें 1 स्पून बेसन मिलाऊँगी। अब 1 टेबल स्पून कर्ड और हाफ लेमन मिक्स करूँगी। इनको मैं अच्छे से मिक्सअप करूँगी। हमें अपने पैक का टेक्सचर नॉर्मल रखना है, ना ही इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा करना है और ना ही बहुत पतला। जैसे इस वीडियो में मेरा पैक का टेक्सचर बन रहा है, आपको सेम वैसा ही टेक्सचर रखना है। नाउ फेस पैक इज़ रेडी टू अप्लाई। अब हम इसे अप्लाई करेंगे, तो आइए मैं आपको इसे अप्लाई करके बताती हूँ। सो अब मैं इस पैक को एक ब्रश की हेल्प से अपने पूरे फेस पर अप्लाई करूँगी। इस पैक को आपको पूरे फेस पर इवनली अप्लाई करना होगा। आपको अपना नेक एरिया भी कवर करना है। फेस पैक आप हमेशा अपने नेक एरिया पर भी लगाइए। कॉफ़ी का यूज़ स्किन ब्राइटनिंग में करा जाता है। बहुत से स्किन प्रोडक्ट्स में कॉफ़ी का यूज़ किया जाता है। ये होम रेमेडी बहुत ही बेनिफिशियल है। आप इंस्टेंट इससे ब्राइट स्किन पा सकते हैं। इनफैक्ट कॉफ़ी हमारे जो एक्ने स्कार्स होती है, उसको भी लाइटन करने में बहुत हेल्पफुल होती है। सो आप ये फेस पैक और स्क्रब ज़रूर ट्राई करिए। आजकल लॉकडाउन की वजह से हम लोग पार्लर वगैरह नहीं जा पा रहे हैं, तो अपनी स्किन का ख्याल हमें खुद ही घर पर रखना पड़ेगा। तो ये होम रेमेडी स्किन के लिए बहुत ही अच्छी है। आप इसे वीकली 2 टाइम्स कर सकते हैं।
इसके यूज़ के बाद आप अपने आप ही अपनी स्किन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखेंगे। आपकी स्किन में जो ग्लो आएगा वो आप इजीली देख पाएंगे। सो यहाँ पर मैंने फेस पैक अप्लाई कर लिया है। अब इसे मैं 10 to 15 मिनट्स के लिए ड्राई होने दूंगी। आफ्टर डैट मैं आपको फेस वॉश करके मिलूंगी। सो अब ये अच्छे से ड्राई हो चुका है। सो अब मैं अपना फेस वॉश करके आती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। सो गाइस, फेस वॉश करने के बाद देखिए मेरा फेस कितना ब्राइटन अप लग रहा है। आप भी देख सकते हैं कि मेरे फेस पर एक इंस्टेंट ग्लो आया है। अब यहाँ पर मैं अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए अपना फेवरेट टोनर यूज़ कर रही हूँ। ये मैं प्लम का टोनर यूज़ कर रही हूँ। आप अपना कोई भी फेवरेट फेस टोनर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं तो अपनी फेस को हाइड्रेट रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए मॉइस्चराइज़र या फिर फेस टोनर का यूज़ तो आप ज़रूर करिए। सो गाइज, अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।